हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं। और हम इससे पहले क्लास हो चुका है। क्लास उसमें हम पढ़ाए थे पहले। उस क्लास में वो क्लास जो चला था उसमें पढ़ाया गया था बेसिक बायोलॉजी। और क्लास हुआ था 01, यानी पहली क्लास होती बेसिक बायोलॉजी, जो सभी कॉम्पिटेटिव ये क्लास एग्जाम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चाहे वो टेंथ की बात करें हम, चाहे ट्वेल्थ की बात करें, स्टेट पीसीएस की, स्टेट की, या कोई भी एग्जाम हो, वेरी इंपॉर्टेंट था। उससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन वहां से बनते हैं। जैसे बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, कब किया, 1800 में लैंडमार्क ट्राइबिन ने किया, बायोलॉजी के जन्मदाता कौन, यानी कि बायोलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं, अरस्तु, एरिस्टोटल क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया में 500 जंतुओं का वैज्ञानिक नाम दिया, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के पिता क्यों कहलाते हैं। ये सब चीजें हमने बेसिक बायोलॉजी में पढ़ लिया। जो ये यानी पहली यानी क्लास 101 की वीडियो, यानी क्लास 1 की वीडियो ना देखी हो, वो जाके पहले प्लेलिस्ट में या फिर वहां जाके साइड में, यानी कि हमारे लर्निंग विद बीबीसी में, यानी कि लर्निंग विद बेन बूस्टर क्लासेस में जाके 0 क्लासेस देखिए। उसके बाद फिर आप आइए, यानी क्लास 10 के हों या किसी भी क्लास के हों, किसी भी एग्जाम के लिए हों, बहुत ही महत्वपूर्ण उत्साह से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं बायोलॉजी से। हर एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। तो क्लास आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ में। जो पहला अध्याय है जीवन की प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं। लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं तो लाइफ प्रोसेस जीवन की प्रक्रिया, यानी पहला चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, जीवन की प्रक्रिया क्या होती है, हम आपको बताते हैं। हमने थोड़ा इसलिए नोट कर लिया कि वीडियो लंबा ना हो जाए, और इसलिए हमने थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं, यानी जीवन की प्रक्रिया क्या होती है। जीवधारियों में कुछ विशेष प्रक्रियाएं होती हैं, जिनके द्वारा उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग कर सकते हैं। ये प्रक्रिया निम्न है। जैसे अब हमारा पहली क्लास देखेंगे तो वहां आपने बताया था कि सजीव किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आपको बहुत विस्तृत रूप से बढ़िया से बताए हैं कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, फिर यहाँ उत्तेजनशीलता, वृद्धि, ये सब चीजें क्या है, जो पदार्थ यानी कि निर्जीव से अलग करते हो। ऐसे कम से कम 3 से 4 लक्षण होने चाहिए, 3 से 4 लक्षण होने चाहिए जो अलग करे, किससे अलग करे, निर्जीव से अलग करे सजीव होने के लिए, ठीक है। यानी इसमें यानी कि पहला जो पार्ट है पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन है यानी कि पहला पार्ट है पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करते ये है जो न्यूट्रिशन ही पोषण जो पहला पार्ट, यानी कि जो सजीव को निर्जीव से अलग करता है, जो पोषण है वो पोषण से कौन ग्रहण करता है, पोषण यानी कि बात करें जो सजीव जीव जंतु की बात करें, चाहे वो जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गई, मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सीखे क्या पोषण या न्यूट्रिशन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, श्वसन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, जनन प्रक्रियाएं भी करती हैं, उत्तेजनशीलता भी करते हैं काम के प्रति। जन्म की बात करें यानी कि अपनी पीढ़ी को यानी आगे बढ़ाते हैं, यानी कि अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जन्म कहा जाता है। उत्सर्जन की बात करें, जो चीजें हम यूज करते हैं, या हम मान लीजिए जिसे क्या है, पसीना निकल रहा है हमारी बॉडी से, देखिए भी पसीना निकल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, ये क्या उत्सर्जन है। पेड़ क्या हो गए, ऑक्सीजन रिलीज करते छोड़ते हैं, वो भी श्वसन हो गया, उत्सर्जन उनके भी, जैसे हम पसीना हो गया, मल पदार्थ हो गए, यूरिन हो गए, ये सब क्या उत्सर्जन के थ्रू आते हैं। अगर और बात करें हम पेड़ पौधों में, आपने पेड़ पौधों में देखा होगा कि पेड़ों में ऐसे यहाँ पर ऐसे पेड़ हो गया, ये यहाँ पर ऐसे कुछ नासिक नुमा ऐसे निकलते हैं, वो उत्सर्जन कहलाते हैं। ये सब चीजें यानी कि जो निर्जीव को सजीव से अलग करते हो उन्हें हम क्या कहते हैं,
तो जो जैसे क्या पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये तीन बेसिक चीजें मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि ये क्या सजीव किसे कह सकते हैं और निर्जीव किसे कह सकते हैं। पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सब चीजें मैंने बता दिया था। यानी कि कम से कम ये चार पांच चीजें मैंने बता दिया था कि क्या होते हैं। तो आगे बात करते हैं उत्तेजनशीलता। इन प्रक्रियाओं के अतिरिक्त जीव स्वयं को बनाए रखने के लिए जो रासायनिक क्रियाएं करती हैं या होती हैं, जो अपचयी क्रियाएं या उपचयी क्रियाएं अपचयी क्रियाएं में बदलती हैं। अपचयी क्रियाएं बात करें जो उपचयी क्रियाएं अपचयी क्रियाएं होती हैं या बदलती हैं, यानी कि जीवधारियों में कुछ विशेष क्रियाएं ऐसे होती हैं जिनके द्वारा हम निर्जीव पदार्थों से अलग कर सकते हैं। ये प्रक्रियाएं नहीं होती है, पोषण हो गया न्यूट्रिशन हो गया, बात करें श्वसन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डेवलपमेंट की बात करें एंड जनन रिप्रोडक्शन हो गया, उत्तेजनशीलता हो गई। इन प्रक्रियाओं के अतिरिक्त जीव स्वयं को भी अलग कर सकते हैं संजीव रासायनिक क्रियाएं करके उपचयी या अपचयी प्रक्रियाओं से। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं, यानी कि जो इसका पहली परिज्ञानी की बात करें, टॉपिक की बात करते हैं। जो टॉपिक आएगा हम पढ़ते हैं क्या, जो परक्रम, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। हम एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से करेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से करेंगे, कोई भी टॉपिक हो गया। हम चाहे बायोलॉजी के टेंथ की बात करें, कोई भी आने वाले क्लासों में हम आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप कराएंगे। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप धैर्य रखिए। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, क्लास वाइज बढ़िया से आपको दिया जाएगा। यानी कि बात करें जैव परिक्रम, यानी जो पहला पार्ट आ जाता है हम उसको पढ़ते हैं क्या, जैव परिक्रम। जैव परिक्रम, अब जैव परिक्रम होता क्या है, जो परिक्रम चीजें क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। बात करें वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीव परिक्रम कहलाते हैं। यानी कि मेंटेनेंस, अनुरक्षण, यानी कि वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता हो, जीव परिक्रम कहलाती है। जैसे बाहर मेंटेनेंस की बात करें, अनुरक्षण, अब जैसे वह क्रियाएं जिनके द्वारा सजीव, अब यहां जीव परिक्रम में वह क्रियाएं, वे क्रियाएं, बाकी वे क्रियाएं या वे सारी क्रियाएं की बात करें, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, यानी कि बात करें मेंटेनेंस की बात करें, अनुरक्षण होता हो, जीव परिक्रम कहलाती है। अनुरक्षण होता हो वह या वे उसे जीव परिक्रम कहा जाता है, कहा जाता है। यानी कि वही सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता हो, क्या होता हो, मेंटेनेंस होता हो उन्हें हम क्या कहते हैं, जीव परिक्रम कहते हैं। यानी कि बात करें हम कैसे रह रहे हैं, अपने बॉडी को विकास के लिए हमें जीवित रहने के लिए अनंत प्रकार के भूत पदार्थों को ग्रहण करना पड़ता है और हमें रहना यानी कि जैसा वातावरण है पर्यावरण के अनुसार हमें ढलना पड़ता है, यानी कि हम चीजों को बनाए रखना होता है जिससे क्या हो, हम जीवित रह सकें। इसमें बात क्या आती है कि यानी कि जीव परिक्रम की बात यह होगी, यानी कि जीव परिक्रम की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे जीव परिक्रम क्या होता है, वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता हो उसे जीव परिक्रम कहा जाता है। उसमें पहला पार्ट की बात करें हम लोग पढ़ेंगे, क्लास में आपको भी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो हम आपको बताते हैं, पोषण, यानी कि फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे क्या, पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। पोषण किसे कहते हैं, वे विधि जिससे जीवों
जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाती है। वह विधि लिख देते हैं, समस्या ना हो आपको। वह विधि जिससे जीवों की बात करें, जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। उपयोग करते हो या करते हैं पोषण कहलाती है। जिसे मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया है, मैंने बार बार कहने कि पहली क्लास में जरूर देखिएगा। यानी कि बात करें वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं या पोषण कहा जाता है। अब पोषक तत्वों की बात क्या करें, जिसे मैंने बार बार पोषक तत्वों की बात की, जिससे क्या हो गया विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये सब चीजें क्या है, पोषक तत्व तो है। हम जो भी चीज ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं, कुछ ना कुछ तो पोषक तत्व तो होती है। वो सब चीजों का हम उपयोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसे हमें एनर्जी मिलती है। और वह क्या कहलाते हैं, जिसे यानी कि पोषण की परिभाषा आपसे पूछे कोई, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाती है। बात यहां आती है जिसे बहुत से आप परिभाषा अलग अलग, जिसे जीव के द्वारा भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहलाते हैं। अब जीवों के द्वारा निर्जीव तो करेंगे नहीं भाई। अब ये क्या है, जो ये मार्कर है, ये मार्कर क्या आपको ये पोषण कहलाएगा, पोषण कहलाएगा मार्कर। मार्कर क्या ये कोई किसी प्रकार का पोषक तत्व ग्रहण कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो ये यानी क्या निर्जीव है। तो पोषण क्या जो पोषक तत्व ग्रहण करेगा वो जीव ही कहलाएगा। जैसे अब यहां बात करते हैं पोषण की विधि, या विधियां, पोषण की विधियां, पोषण की विधियां में हम देखते हैं, यानी कि अब जैसे मैंने पहले बताया आगे पोषण की विधियां। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधि द्वारा होता है। पोषण की विधि में बात करें, जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों के द्वारा होता है। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों के द्वारा होता है। अब वो दो विधि कौन से हैं, पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे तो हम बताते हैं। दो विधि की बात करें स्वपोषण की, यानी पहला क्या होता है स्वपोषण और दूसरे की बात करें, स्वपोषण और दूसरे की बात करते हैं तो परपोषण। क्या होता है पर, आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं समपोषण कहीं विषम पोषण होता है, कहीं कहीं समपोषण कहीं विषम पोषण होता है। स्वपोषण का मतलब होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और बात करें तीसरा होता क्या है, हेटरोट्रॉपिक, दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि बात करें हम जीव में पोषण मुख्यतः दो विधि द्वारा होती है, पहला स्वपोषण यानी समपोषण, दूसरा परपोषण यानी विषम पोषण। पहला क्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इससे हमने क्या, जो जीवों के द्वारा भोजन से पोषण तत्वों को ग्रहण प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक होता है, जिससे
या जिसके फलस्वरूप जीवधारी पोषण से ऊर्जा वृद्धि वृद्धि कर टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत तथा रोगों से रक्षा करते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, पोषण की दो विधियां होती हैं, स्वपोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, परपोषण हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहां हम बात करें जैसे जीवप्रक्रम की बात करें, यहां क्या जीवप्रक्रम ने पहले बताया ना, तो यहां पर जैसे लिख सकते हैं जीवप्रक्रम, जीवप्रक्रम फॉर एग्जांपल जीवप्रक्रम की बात करें जैसे परिवहन तंत्र उत्सर्जन पोषण श्वसन जनन, हम पहले भी आपको लिखा दिए परिवहन तंत्र पोषण उत्सर्जन जनन इत्यादि जो चीजें हैं ये जीवप्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, तो जीवप्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। अब आपसे बात करते हैं, हम लोग पहला पढ़ते हैं क्या, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा अच्छे से। हम लोग पहला पढ़ेंगे क्या स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, इसमें पार्ट कितने होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, इसे कहते क्या है, इसमें जीवों में इसका मूलभूत प्रयोग क्या है, प्रभाव क्या है, चाहे वो हम बात करें जंतु हो या बात करें हम कोई जीव हो गया पक्षी हो गई जो भी चीजें हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी बात आती क्या, पहला स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी पोषण की बात करें, स्वपोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं उन्हें हम स्वपोषण कहते हैं। यानी कि जैसे अगर आपसे बात करें पेड़ हो गया, जो इतने भी पादप हो गए, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जो स्वयं से यानी क्या पोषण ग्रहण बनाते हो, यानी कि जो स्वयं पोषण बनाता हो और दूसरों पर ना निर्भर रहता हो उसे क्या बोलते हैं, क्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जैसे क्या होता है, ऐसे जीव, चलो हम लिख देते हैं अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो, देखिए ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर या ना होकर ना रहकर या ना होकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हो संश्लेषित करते हो या करते हैं उसे हम स्वपोषण के अंतर्गत रखते हैं, स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। ये दर्शन ठीक है होंगे, स्वपोषण ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। बात सही है भाई, चलिए देखते हैं। यानी कि स्वपोषण ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसे प्रकाश संश्लेषण करके, उसे वे जीवधारी दूसरे पर निर्भर ना रहते हो, प्रकाश संश्लेषण करते हो, कुछ ऐसे जीवधारी या कुछ ऐसे जीव होते हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं या खुद ही बनाई को ग्रहण करते हैं दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे बृहस्पति तथा जीवाणु, अब हमको बताते हैं दूसरा फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति तथा
वनस्पति तथा जीवाणु, वनस्पति तथा जीवाणु ये क्या है? स्वयं भोजन बनाते हैं। अब आपसे बात करते हैं ऑटोट्रॉफी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, यानी ऑटो मतलब होता है स्वतः, ट्रॉफिक मतलब क्या होता है पोषण, यानी स्वतः पोषण। ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में अगर ऐसे करेंगे तो आपको जबरदस्त नंबर मिलेगा। कोई नंबर काट नहीं सकता, कोई नहीं काट सकता, जरा सा भी नंबर नहीं काट सकता। पोषण यानी स्वतः पोषण, स्वतः भोजन बनाता हो, स्वतः ही पोषण करता हो, उसे क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, यानी स्वतः भोजन बनाने यानी पोषण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। जैसे अगर बात करें हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे अब ये फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला लेते हैं CO2 + 6H2O + 6H2O। यहां पर ये क्या हो जाएगा, किसका निर्माण कर देगा, C6H12O6+ की बात करें O6O2 का निर्माण करता है, 6O2 का निर्माण कर देता है। अब आप बताते हैं ये क्या होता है। देखिए जो सूर्य के प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश क्या है, सूर्य का प्रकाश कितने क्लोरोफिल में क्या करता है, हरे लोग में प्रवर्तित करता है, क्लोरोफिल में। देखिए CO2 + 6H2O कन्वर्ट किस निकलता है, C6H12O6+6O2 में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, यानी जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या करता है, किसमें क्लोरोफिल में, हरित लवक में, किसमें कन्वर्ट करता है तो हरित लवक में। अब इसमें क्या यहां बना देता है, ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। ग्लूकोज का क्या करता है, क्या कर देता है, ग्लूकोज का निर्माण कर देता है, ग्लूकोज का निर्माण कर देता है, क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। अब आप सोच रहे फिगर के तुम आपको समझाते हैं, देखिए अब आपको हम एक पत्ती बनाते हैं, पत्ती नुमा आपको समझाते हैं, चाहे वैसे समझिए चाहे पत्ती नुमा समझिए, आपको अच्छे से समझाया जाएगा, नो टेंशन, कहीं आप बन जाइए, बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ और देखते रहिए कमाल। मान लीजिएगा कोई पत्ती है, ये इसे अच्छा आपसे ज्यादा अच्छा नहीं बना पाएंगे, लेकिन प्रयास तो कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भाई बहुत ही बुद्धिमान अच्छे व्यक्ति अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, खेलते कम हैं, घूमते कम हैं, मम्मी पापा को परेशान कम करते हैं, कोई भी ये हो गया। देखिए सर्वाइव कर लीजिएगा इसमें, ये क्या है, मान लीजिए पत्ती है, क्या है, पत्ती है, किसी प्रकार का पत्ती है, किसी पौधे का। चलिए अब इसमें क्या है, बात करते हैं मिट्टी से अवशोषण करने वाला जाइलम की बात कर रहे हैं। जाइलम कहाँ होता है, तो ये जो पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, जाइलम जो मिट्टी से अवशोषण द्वारा होता है, यानी अवशोषण होता है या द्वार होता है, मिट्टी मिट्टी
से अवशोषण, अवशोषण यानी इसमें क्या बोलते हैं जाइलम, जाइलम ऑफ ब्रेन तो आप जानते हैं, ले जाते हैं आपको बताएंगे आगे। ये जो पार्ट आगे पौधों के विभिन्न भागों की बात करेंगे, वहां से स्टार्टिंग हो जाता है। पौधे के विभिन्न विभिन्न भाग की बात करें, फिर यहां पर ये जो जहां से वायु से मुक्त होती है, क्या कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, वायु से मुक्त होती है या वायु से मुक्त होता है, यहां पर ये चीज है वायु से मुक्त यानी कि ऑक्सीजन की बात करें। फिर आगे यानी कि यहां देखें CO2, ये वायु से मुक्त होती है CO2, जो यानी कि वायु से ग्रहण करता है CO2 को लेता है और O2 को रिलीज कर देता है। यहाँ पर इसके जो होता है यानी कि जो हरे कलर का होता है उसे क्या बोलते हैं, हरित कवक या क्लोरोफिल की बात करते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पर जो हरे रंग का होता है उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल की बात करते हैं। क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की बात करते हैं। ये क्या होता है, क्लोरोफिल यानी जो हरे कलर का होता है, जो पत्तियों पर हरे कलर के पत्ती आप लेते हैं या पत्ती देखते हैं, जो हरे कलर का होता है यानी कि ये पार्ट पूरा इधर, उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। और यानी कि जो ये धारी धारी यहाँ पर ये जो जो ये चीजें बनी हुई है, ये जो चीजें बनी हुई है इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो चीजें बनी हुई है ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट ये क्या बना होता है, इससे ही क्या होता है ऑक्सीजन का क्या होता है रिलीज होता है, यानी कि ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये जो हरे हरे ये वाला पार्ट इसे क्या वायु से मुक्त क्या O2, वायु से मुक्त क्या हो रहा है O2 हो रहा है, पत्तियों से O2 पे रिलीज, पत्तियों से O2 रिलीज हो रहा है, और वायु से क्या यानी कि ले क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और क्लोरोफिल यानी कि सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, क्लोरोफिल का निर्माण करता है सूर्य के प्रकाश से, क्लोरोफिल का निर्माण हो रहा है। यानी यहां से एक सूर्य अगर बना दे, यहां सूर्य सूर्य का निर्माण कर दे, और यहां से क्या ये तो यहां पर क्या हो रहा है, ये चीजें यानी कि सूर्य के प्रकाश पड़ रही है और क्लोरोफिल का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लोरोफिल का निर्माण हो रहा है। ये चीजें यानी हरित कवक जिसे बोलते हैं हम, सूर्य के प्रकाश से वायु यानी कि वायु से क्या मुक्त होता है, O2 मुक्त होता है, और लेता क्या है तो CO2 ले लेता है, यानी कि CO2 प्लस H2O 6H2O लेकर कन्वर्ट किसमें करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है C6H12O6 प्लस O6O2 में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। लोग में इधर देखिए ये चीजें आप अगर जो पत्ती पर हरे रंग के कोशिकाएं हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वह क्लोरोफिल वही क्लोरोफिल होते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है। ये हरी पत्तियों के यहां लिख दे रहे हैं आपको, देखिए इसे अगर हम मिटा दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम बहुत छोटा पड़ रहा है। देखिए पत्ती पर हरे रंग है, पत्ती पर हरे रंग के कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, जो पत्ती पर हरे रंग के कोशिकाएं हैं, जैसे मैंने ये पार्ट बताया, ये पार्ट यानी कि जो ये पार्ट है, ये पार्ट जो है ये पत्ती पर क्या हरे रंग के कोशिकाएं हैं, ये पार्ट, और इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, ये पार्ट को, इसी पर हरे रंग के क्लोरोप्लास्ट कोशिकाएं होते हैं, और इसी इसी में क्या होते हैं, इसी क्लोरोप्लास्ट में
क्लोरोफिल क्या होता है, भरा होता रहता है, हरितद्रव्य रहता है। यानी आपसे कोई पूछे तो क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं या क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, जो हरे रंग के कोशिकाएं होते हैं उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है। इतना अगर आप समझ गए होंगे तो वेरी गुड, आप बढ़िया से नोट्स बनाइएगा जबरदस्त, उसमें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा जैसे हम करा रहे हैं। अब कहिए तो अगर हम आपको अलग अलग करा दें, लेकिन उसमें काफी ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और आप 10th के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, और एग्जामों के लिए बीसीएससी का एग्जाम आपको नहीं देना है कि इतना ये सब चीजें और डीपली पूछा जाएगा, इससे आपके लीजिएगा 9th 10th 11th 12th के लिए इतना बहुत काफी है, बहुत ज्यादा काफी है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा एग्जामों में। आगे हम बढ़ते हैं, अब किसे यानी कि अगले टॉपिक की बात करें, अगले हम आगे बढ़ते हैं और वहां पढ़ने की कोशिश करते हैं वो चीजें है क्या या नहीं क्या है। चलिए बात करते हैं क्या सहजीवी किसे कहते हैं, थोड़ा सा आगे हम पढ़ लेते हैं उसके बाद ऊपर पोषण में जाते हैं। स्टॉप पोषण किसे कहते हैं, अगर हमने पढ़ा ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। थोड़ा सा पढ़ा जाते हैं कि सहजीवी किसे कहते हैं, सहजीवी होता क्या, क्योंकि ये आगे जब हम बहुत ही मिलेगा, आगे इसको अगर हम पढ़ लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सहजीवी किसे कहते हैं, शैवाल तथा लाइकेन के कवक घर बनाकर रहते हैं ऐसे फंजाई को सहजीवी कहते हैं। यानी जो शैवाल होता है और लाइकेन होता है, इससे पहले हम आपको यह चीज और बता दे रहे हैं, शैवाल और लाइकेन किसे कहते हैं, शैवाल और लाइकेन किसे कहते हैं, इसके बारे में अगर आप जान जाते हैं तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा होगा। तो पहले चलिए इसको हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको शैवाल और लाइकेन के बारे में लिखा देते हैं या बता देते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, शैवाल और लाइकेन का एक अलग से आपको वीडियो बना देंगे जिससे आपको सारी चीजें दूर हो जाएंगी। देखिए शैवाल, शैवाल तथा लाइकेन, यानी कि शैवाल शैवाल लाइकेन, शैवाल तथा लाइकेन, शैवाल तथा लाइकेन के कवक के कवक घर बनाकर रहते हैं, रहते हैं ऐसे ऐसे फंजाई को सहजीवी कहते हैं, ऐसे फंजाई को सहजीवी कहते हैं। ये दो चल तथा अचल युगम के प्रोटोजोआ, ये प्रोटोप्लास्ट की बात करें, प्रोटोप्लास्ट का संलयन होना, संलय होना पर प्लोजमोगमो कहते हैं। देखिए समझ जाइएगा आगे, यानी बात करें सहजीवी किसे कहते हैं, शैवाल तथा लाइकेन कवक का घर बनाकर, यानी कवक घर बनाकर रहते हैं, यानी कि जो शैवाल हो गया लाइकेन हो गया क्या है, एक प्रकार का कवक है, ये घर बनाकर रहते हैं ऐसे फंजाए को सहजीवी कहते हैं। ये क्या होते हैं, जल तथा अचल युग्मक है, ये प्रोटोजोआ का संलयन होता है या होना होता है, इन क्रियाओं क्या बोलते हैं हम, फल
प्लोगमोगमो बोलते हैं, यानी कि फल प्लोगमोगमो बोलते हैं। अगर आपसे छोटी सी बात अगर आपसे बोले कि लाइकेन क्या होता है, थोड़ा सा बता देते हैं। लाइकेन प्रकाश संश्लेषक का कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। लाइकेन जो प्रकाश, ये जो लाइकेन होता है प्रकाश संश्लेषण कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और हम क्या बोलते हैं, हम लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपसे ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था। लाइकेन को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है, क्रिस्टोफस फुलियोज फ्रूटियोज, इन सब चीजों में बांटा गया है। तो आगे हम अगर बात करें, जो हमारा अगला टॉपिक की बात करें, हम दूसरा रिश्ता जीवी तो हो गया, स्वाप पोषण हो गया, हम आगे बढ़ेंगे क्या पर पोषण, क्या पढ़ेंगे हम आगे पर पोषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या पर पोषण, पर पोषण किसे कहते हैं उसके बाद फिर आगे बता सकते हैं। दूसरा पर पोषण, पर पोषण यानी कि बात करते हैं हेटरोट्रॉफी, हेट्रो या हेट्रो ट्रॉफी न्यूट्रिशन, सॉरी पर पोषण यानी कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे कहते हैं, क्लोरोफिल की या क्लोरोफिल को परपोषण वाह प्रक्रिया, क्लोरोफिल की परपोषण वाह प्रक्रिया जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषण कहते हैं। यानी कि क्लोरोफिल की वाह प्रक्रिया या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना संश्लेषित कर, स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उससे हम क्या कहते हैं परपोषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य, हम लोग क्या बड़े स्वार्थी इंसान है, अपने से कुछ नहीं करना चाहते हैं, सब चीजें क्या डिपेंड है किस पे, इन्वायरमेंट पर, पर्यावरण पर या दूसरे जंतु जीवों पर। सेल्फिश है कि नहीं है, मनुष्य बहुत सी सेल्फिश है। चलिए कहिए तो लिख देते बता देते आपको, क्लोरोफिल की वह प्रक्रिया है, क्लोरोफिल परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है उसे क्या बोलते हैं हम, उन्हें या उसे क्या कहते हैं, किसी ना किसी बात किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है या किसी ना किसी रूप में अन्य स्रोतों से पोषण को क्या करता है ग्रहण करता है, उन्हें क्या कहते हैं हम परपोषण कहते हैं, उन्हें परपोषण कहते हैं। यानी कि क्लोरोफिल की वह पोषण प्रक्रिया है या वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना संश्लेषित कर किसी ना किसी रोग से या किसी ना किसी प्रक्रिया से अन्य जीवों पर क्या निर्भर रहते हैं या उन पर उनसे क्या करते हैं अपना भोजन या अपना क्या लेते हैं या पोषण लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम परपोषण कहते हैं। यानी क्लोरोफिल की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहकर या रहता है उन्हें परपोषण क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। या ऐसे लिख लो किसी अन्य जीवों पर रहता है, अन्य जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन लेता है उन्हें परपोषण कहते हैं। या किसी ना किसी
स्रोत से अपने पोषण को ग्रहण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, परपोषण कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। हेटरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, वही चीज आपने बताया ना, हेटरोट्रॉपिक। हेटरो का मतलब होता है क्या, विषम, और ट्रॉपिक मतलब क्या हो जाएगा भाई, पोषण, यानी क्या विषम, यानी कि दूसरे पद में हमने पहले बताया क्या, ऑटो ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्व पोषण, यानी कि स्वयं सम पोषण, और परपोषण मतलब विषम पोषण, ये चीजें। अब पोषण के प्रकार की बात करें, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, यानी परपोषण, परपोषण, परपोषण के प्रकार की बात करें, परपोषण के प्रकार, परपोषण के प्रकार क्या होते हैं, परपोषण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, परपोषण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, पर पोषण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ही फर्स्ट की बात करें हम, मृत जीवी पोषण, यानी क्या होता है मृत जीवी पोषण, दूसरा क्या हो जाएगा परजीवी पोषण, तीसरा क्या हो जाएगा प्राणिसम पोषण, यानी कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड हाइड्रोजोनिक न्यूट्रिशन, क्या क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, यानी पहला क्या हो जाएगा मृतजीवी परपोषण, दूसरा क्या हो जाएगा परजीवी परपोषण, तीसरा क्या हो जाएगा प्राणिसम पोषण, यानी कि ये परपोषण के तीन प्रकार हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं, समझ में आया, कुछ जानकारियां मिली या नहीं, जैसा हो कमेंट में, नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, टाइप करिएगा, कमेंट करिएगा। और हाँ, हमारे बीबीसी चैनल को यानी कि लर्निंग विद बीबीसी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, अगली वीडियो अगली क्लास में मिलते हैं।